और अब बात करेंगे गर्मी के रेड अलर्ट की, क्योंकि देश भर में प्रचंड गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इन दिनों सूरज का पारा काफी ज्यादा हाई है। गर्मी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी सताने वाली है, जिसके कारण कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सूरज आग बरसा रहा है, गर्मी जलाने को आ रही है। मई का अभी आधा महीना भी नहीं बीता है, अभी तो जून का आना बाकी है। गर्मी के ऐसे कड़े तेवर इससे पहले शायद ही कभी आपने देखे होंगे। उत्तर भारत समेत मध्य और दक्षिण भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। अब पारा रोज नए रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी झुलसा रही है। आगरा में तो गर्मी ने नया कीर्तिमान बना डाला है। रविवार के दिन ताजनगरी में अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 50 साल के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार ऐसा मौका है जब मई के महीने में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में क्या तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा? झांसी की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, उसके थोड़ी ही देर में धरती तपने लगती है। सुबह 9 बजे बाहर निकलने पर ऐसा लगता है कि दोपहर का समय है। अभी से पारा इतना चढ़ गया है तो जरा सोचिए, अभी तो जून का आना बाकी है, तब लोगों का क्या हाल होगा। ज्यादातर इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, लेकिन ये भी नाकाफी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गर्म हवा से लू लगने या हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सुबह 10 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। बहुत गर्म है और पानी वानी की भी समस्या है, काफी धूप है, टेम्परेचर बहुत है। तो क्या इससे लोग बच रहे हैं, क्या लोग खुद की व्यवस्थाओं से निर्भर हैं? खुद की है, पानी वानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ORS वगैरह मिला के पी रहे हैं, तो उससे यह है कहीं ना कहीं थोड़ा डिहाइड्रेटेड नहीं हूँ, हाइड्रेटेड बने रहे हैं। तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। यूपी में अब दूसरे शहरों का हाल जान लेते हैं, कहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है। गौतम बुद्ध नगर में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मथुरा में 44, तो वहीं मेरठ में भी पारा 44 डिग्री को छू रहा है। वाराणसी में भी 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। अपने लिए पानी की बोतल की व्यवस्था की है और अपने लिए गमछा लेके चल रहे हैं, और जो भी अपना थोड़ा बहुत जो भी शासन के प्रशासन के द्वारा जो भी हमें थोड़ी बहुत चीजें वहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं, उन्हीं से अपना काम चला रहे हैं। पूर्वांचल के 3 जिलों जौनपुर, आजमगढ़, मऊ में लू का रेड अलर्ट, तो वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन हीट वेव का प्रकोप रहेगा। रेड अलर्ट इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। धूप लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। पारा बढ़ने और तेज धूप की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जो काम से बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। दोपहर के समय तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई देता है। अलीगढ़ में अस्पतालों में मरीजों की संख्या पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई है। अगले 2 दिनों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, चुनावों के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए धनबल और ड्रग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अब तक कुल 8,889 करोड़ के कैश और ड्रग्स को जब्त करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी तब जब अभी चुनाव के 2 ही चरण बाकी हैं। आयोग के मुताबिक 8,889 करोड़ की जब्ती में 45% ड्रग है जबकि बाकी कैश है। आयोग के मुताबिक जल्दी ही आंकड़ा 9,000 को पार कर जाएगा।
देखिए अगर अलग अलग राज्यों की बात करें, बात गुजरात की करें, तो बीते दो महीने में यहां से 1461 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है, जिसमें कैश का ड्रग शामिल है। और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, यहां पर एजेंसियों ने 1133 करोड़ से ज्यादा के कैश और ड्रग्स को बरामद किया है। पंजाब की बात करें, उड़ता पंजाब की, वहां पर चुनाव के दौरान 734 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 685 करोड़ से ज्यादा के कैश और ड्रग्स बरामद हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चुनाव के दौरान अब तक 653 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है, वो भी तब जब आखिरी दो चरण के चुनाव बाकी हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ट्रूप्स और अलर्ट पुलिस नेटवर्क की वजह से ये बड़ा कंसाइनमेंट हमें हाथ लगा। चुनाव में वोटरों को लुभाने की कोशिश, ड्रग्स और शराब खपाने की साजिश पर जांच एजेंसियों ने अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक किया है। आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से पिछले दो महीनों में जांच एजेंसियों ने देश भर से करीब 9000 करोड़ रुपए के अवैध सामान जब्त किए हैं, जो कि पिछले चुनाव 2019 की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा हैं। तेलंगाना में 114 करोड़ 3 लाख रुपए कैश बरामद हुए, कर्नाटक में 92 करोड़ 3 लाख रुपए कैश बरामद हुए, दिल्ली में चेकिंग के दौरान 90 करोड़ 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई, आंध्र प्रदेश में 85 करोड़ 3 लाख रुपए कैश जब्त किए गए, तो वहीं महाराष्ट्र में 75 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसे चुनाव में खपाने की तैयारी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में मादक पदार्थ और कैश बांटने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। जांच एजेंसियों ने लगभग 9000 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती चीजें जब्त की हैं। ये राशि 2019 के आम चुनाव में की गई कुल जब्ती से 2.5 गुना ज्यादा है। उम्मीद है कि अगले दो हफ्तों में बरामदगी की राशि और बढ़ सकती है। इलेक्शंस के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल होता है एज ए इंड्यूसमेंट ड्रग या इंड्यूसमेंट गुड, तो उसमें भी रोकथाम करने की नियत से और उसी गर्ज से जो है पुलिस के जो एक्टिविटीज है उसमें इजाफा हुआ है और उसी के चलते जो है अलर्ट ट्रूप्स और अलर्ट पुलिस नेटवर्क की वजह से ये बड़ा कंसाइनमेंट हमें हाथ लगा है। इसमें फ्रंट ड्राइवर की सीट और को ड्राइवर बगल की जो सीट है उसके नीचे स्कीम बनाकर पैक करके 1.3 करोड़ रुपए कैश और 4 किलो चांदी थी। और कहां से ले जा रहे थे, क्या उद्देश्य, आचार संहिता में इतनी भारी मात्रा में कैश ले जा रहे थे, इसकी सूचना प्रत्यक्ष से इनकम टैक्स विभाग को भी दी जाएगी। चाहे दिल्ली हो या पंजाब, रांची हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह वोटरों को लुभाने के लिए धन बल के इस्तेमाल की कोशिश हुई, लेकिन चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों ने सफेद पोशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब जरा इन चार तस्वीरों पर नजर डालिए। झारखंड के रांची में मंत्री के करीबी के घर में रेड में करीब 40 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में प्राइवेट बस से कैश बरामद हुआ। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर और जम्मू कश्मीर के बारामूला से भी आई, यहां कैश के साथ ड्रग्स भी बरामद हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले कुछ सालों में गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में बड़ी तादाद में जब्ती की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले महीने आम चुनावों का ऐलान करते वक्त धन बल को प्रमुख चैलेंज बताया था। आयोग का कहना है कि ड्रग्स, शराब और कैश अलग अलग स्तर पर चुनावों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन पर निगरानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।